हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन भल्ला के सेंसन स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आज हम असेसमेंट की वर्कशीट 04 करने जा रहे हैं। ये हिंदी की क्लास 6 की रहेगी और 27 सितंबर की रहेगी। डियर स्टूडेंट्स, इस वर्कशीट में हमसे 1 से लेकर 4 तक जो है एक एक अंक के क्वेश्चन पूछे गए हैं, 5 से 6 में 2 अंक के और 7 से लेकर 10 में 3 अंक के हमसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम पैसेज पढ़ेंगे, उसके बाद हमसे जो 10 क्वेश्चन किए गए हम 1 बाय 1 करके इसे अच्छे से करेंगे, ठीक है? तो पहले आप अच्छे समझ लो, क्योंकि पहले आपको आंसर देने की कोशिश करनी है, फिर आप अपने आंसर मैच करेंगे। ओके, पर स्टार्ट कर देते हैं। डियर स्टूडेंट, केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे, ठीक है? कार्निस के ऊपर क्या दिए थे? अंडे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुँच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते, मतलब देखते कि चिड़ा और चिड़िया तो दोनों वहाँ बैठे हुए हैं। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मज़ा मिलता, मतलब बहुत अच्छा उन्हें लगता। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती थी, मतलब सुबह सुबह वो दूध और जलेबी खाते थे, है ना? तो उनको उसकी भी सुध नहीं रहती थी, उसकी भी परवाह नहीं थी उन्हें, ठीक है? आगे देखिए, दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे? अंडों के बारे में इतना सोच रहे हैं बच्चे। उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसे है, ठीक है, घोंसला कैसा है, इस तरीके से, मतलब बहुत सारे सवाल उनके मन में आ रहे हैं। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वो तो आपस में बात कर रहे हैं। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से, ठीक है? मतलब कहने गए कि अम्मा जो काम काज में लगी हुई हैं, बाबूजी पढ़ने लिखने में, है ना, इस तरीके से, मतलब वो कोई भी इन पर ध्यान नहीं दे रहा। आगे देखिए, दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। फिर क्या हुआ, केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था, ठीक है? कौन सी तकलीफ, आओ देखते हैं। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं, मतलब ऊपर छाया भी तो कोई नहीं है, मतलब धूप सीधा पड़ती है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए, पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया, मतलब मान लिया गया कि भाई हम चावल के कुछ दाने रख देंगे, पानी की प्याली रख देंगे, तो जो भी बच्चे पैदा होंगे ना, तो उनको आराम से सब कुछ मिल जाएगा। बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे, बच्चे कौन, श्यामा और केशव, ओके? फिर क्या हुआ, श्यामा माँ की आँख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई, केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया, देखो बच्चों, उसने तेल जो था ना उसमें से गिरा दिया और उसे खूब साफ करके अच्छे से, ठीक है, उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए, भाई अब देखो आपको क्या करना है, घोंसले को ढकना है, ठीक है, तो अब कपड़ा कहाँ से आएगा, चलो कपड़ा आ भी गया तो आगे कह रहे हैं, फिर ऊपर से बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, मतलब ऊपर जो है ना, ऊपर जैसे कपड़ा लगा देंगे, तो कपड़े को ऊपर लगाने के लिए, जैसे मान लो ये घोंसला है, यहाँ पे एक घोंसला है, ठीक है, तो अब यहाँ कपड़ा कैसे लगाएंगे, तो हमें छड़ियाँ भी तो चाहिए लगाने के लिए इसको, तो इस तरीके से वो कह रहे हैं कि क्या करेंगे, क्या करेंगे, है ना? फिर क्या हुआ, कैसे, और छड़ियाँ खड़ी कैसे होंगी, या छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे, इस तरीके से उनके मन में सवाल आ रहा है। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में रहा, मतलब सोचता रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना, ठीक है? तो हमने पढ़ लिया, अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहले आप देख लीजिए, टोटल 10 क्वेश्चन है, अब मैं आपको आंसर के साथ करवाऊंगा,
ठीक है, सीधा आपको आंसर्स की तरफ ले चलता हूँ, ठीक है। बाकी आप पहले गैस कर लीजिएगा, ओके। जैसे पानी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, ठीक है, दूध को तत्सम जो है ना, दूध का जो तत्सम शब्द है वो क्या है, इस तरीके से पहले आप गैस कर लीजिए, फिर अपने आंसर देखिए, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं आंसर के साथ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपसे पहला पूछा गया है पानी शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा, तो पानी का क्या है, नीर, पेय, सलिल, तो आप कोई सा भी लिख सकते हैं, आप इसमें जल भी लिख सकते हैं, ठीक है, और एक भी बता सकते हैं, एक से ज़्यादा भी बता सकते हैं। नेक्स्ट है दूध का तत्सम शब्द क्या होगा, दुग्ध, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जमीन शब्द का समानार्थी मतलब सेम मीनिंग क्या होगा, तो धरती, भू, भूमि, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ओके। एक लिखना है स्वीकृत का विलोम शब्द उल्टा, तो अस्वीकृति हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जैसे स्वीकृत लिखा तो आप अस्वीकृत कर देंगे, ई की मात्रा हटा देंगे, ठीक है, जैसा क्वेश्चन में दिया वैसा आप कीजिए, ठीक है। जैसे स्वीकृत लिखा है तो आप जो है यहाँ पे अस्वीकृत कर दीजिए, ओके, ठीक है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट है अनुच्छेद में से दो संज्ञा शब्द आपको चुनना है, कोई से भी आप दो शब्द चुन सकते हैं, अनुच्छेद में हमने बहुत सारी संज्ञा पढ़ी हैं, आप चिड़िया, अंडे, कुछ भी आप बता सकते हैं, ओके डियर स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिक्स क्वेश्चन, छठे में हमसे पूछा गया है कि आपको दो विशेषण शब्द चुनने हैं, तो आप कोई से भी दो विशेषण लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा है एक और थोड़े, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिड़िया ने अंडे कहाँ दे रखे थे और उसे कौन देख रहा था, तो आप बताएंगे केशव के घर, कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे, ठीक है। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है केशव और श्यामा के मन में किस तरह के प्रश्न उठा करते थे, तो आप बताएंगे दोनों के मन में तरह तरह के सवाल उठते थे, जैसे अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे और घोंसला कैसा है, तो इस तरीके के प्रश्न उनके मन में उभरते थे, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डियर स्टूडेंट्स, अब हम नाइन्थ क्वेश्चन कर रहे हैं, घोंसले की सुरक्षा के लिए क्या फैसला किया गया, तो आप लिखेंगे घोंसले की सुरक्षा के लिए फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए, लेकिन उन्हें कपड़ा नहीं मिला था, उन्होंने सोचा यदि कपड़ा मिल भी जाएगा तो यहाँ पे ये लिखा है ना, गैप बना रखा है मैंने, यहाँ पर आपको इस ये वर्ड लिखना है छड़ियों के बगैर कपड़ा कैसे ठहरेगा। अंत में उन्होंने कूड़ा फेंकने वाली टोकरी से घोंसले को ढकने का निर्णय लिया, ठीक है। इस तरीके से नौवां क्वेश्चन हो गया। और देखिए प्लीज़, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सारी की सारी वीडियोस आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड की जाएंगी, और वीडियो अच्छी लगी तो आप उसे लाइक भी कीजिए, ठीक है। अब हम टेंथ क्वेश्चन कर लेते हैं। टेंथ क्वेश्चन है घोंसले में पानी की व्यवस्था कैसे की गई, तो केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा, ठीक है। इस प्रकार घोंसले में पानी की व्यवस्था की गई, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको, एक एक चीज़ मैंने आपको अच्छे से समझा दी, और आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना पूरा पूरा ध्यान रखना, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।